हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी इंग्लिश क्लासेस। आई एम मनीषा श्रीवास्तव। टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन पोएट्री नंबर 4 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, व्हिच इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। द नेम ऑफ द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड इट इज रिटन बाय जॉन कीट्स। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द पोएट, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एंड स्टैंजा वाइज explanation. So let's start with about the poet. Who is John Keats? John Keats was born on 1795 and died on 1821. Was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. British romantic poet the John Keats. हालांकि वो सर्जन थे करियर के स्टार्टिंग में, लेकिन फिर उन्होंने अपना डिवोट कर दिया सब कुछ पोएट्री को, मतलब वो सिर्फ पोएट्री लिखने लगे। कीट्स सीक्रेट, हिज पार्ट टू सोए एंड डिलाइट द रीडर्स, लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म ऑफ लैंग्वेज। बहुत ब्यूटिफुल पोएम्स लिखी है उन्होंने, और रीडर्स को जैसे वो सोए करना, मतलब बहा ले जाते हैं इमोशंस में। Now I will tell you the central idea about the poem. The following means the thing of beauty is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance. ये जो poem हम पढ़ने जा रहे हैं a thing of beauty, वो उनकी एक बड़ी poem Endymion का एक छोटा सा हिस्सा excerpt है. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. ये एक ग्रीक लीजेंड Endymion की कहानी है, जो कि एक यंग ब्यूटिफुल शेफर्ड है और वो पोएट भी है। वो माउंट लैटमॉस पे रहता है और उसको सिंथिया के दर्शन होते हैं। सिंथिया कौन है? मून गॉडेज। उसकी ब्यूटी में वो कितना खो जाता है, इतना इम्प्रेस हो जाता है। द एन्चेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। अब वो उसके ब्यूटी पर इतना इम्प्रेस हो जाता है, इतना खुश हो जाता है देखकर उसको, कि अब उसका एक ही रिजॉल्वमेंट है, एक ही रिजोल्यूशन है कि उसको किसी तरह ढूंढना है। तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, और इसलिए वो जंगल जंगल जाता है और सी तक भी जाता है। तो सब तरफ वो सिंथिया को ढूंढ रहा है, जिसको एक बार उसने देख लिया है। द थीम ऑफ द पोयम इज नेचर, ब्यूटी एंड यूथ। तो अकॉर्डिंगली जिस तरह का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है जॉन कीट्स ने, कि वो जंगल जंगल जा रहा है, सी तक जा रहा है, तो उसमें पूरा पूरा नेचर, ब्यूटी और यूथ इसका डिस्क्रिप्शन है। नेचर की ब्यूटी के बारे में बताया है। कीट्स लव्ड ब्यूटी टू द एक्सटेंट दैट ही ऑलमोस्ट वर्शिप्ड इट। कीट्स इतना ज़्यादा ब्यूटी से प्रेम करते थे, उनको ब्यूटी इतना पसंद था नेचर का, कि वो ऑलमोस्ट वर्शिप्ड इट, मतलब लगभग वर्शिप करते थे, इसका पूजा से करते थे ब्यूटी की। दिस एक्सर्प्ट वॉइसेज द पोएट्स इटर्नल लव फॉर ब्यूटी। ये जो एक्सर्प्ट है, ये जो हिस्सा है, ये जो पोयम है, ये पोएट के इटर्नल लव को शो करता है, जो कि ब्यूटी के लिए है उनका। नाउ आई विल गिव यू स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। सो स्टैंजा 1 इज A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Now the explanation of the stanza 1 is, the poet speaks of the permanent nature of beautiful things which give us eternal joy. Poet यहाँ पर खूबसूरत चीज़ों की permanent nature के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमको eternal joy, अंदर तक सुकून और खुशी देती हैं। कोई nature की beauty आप देखोगे, पेड़ पौधे, नदियाँ, ये सब हमको eternal joy देते हैं, मतलब आंतरिक खुशी देते हैं। Their loveliness keeps on increasing and never fades away. इनकी खूबसूरती, ब्यूटी बढ़ती रहती है और कभी भी फेड नहीं होती, ये कभी मुरझाता नहीं है, नेचुरल ब्यूटी। द एवर लास्टिंग ब्यूटिफुल साइट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स इज स्टोर्ड इन आवर मेमोरी।
आप किसी भी खूबसूरत जगह को देखने जाओ, नेचुरल प्लेस पे जाओ, किसी हिल स्टेशन पे जाओ, तो आपको लगेगा कि वो जो ब्यूटीफुल साइट्स आपने देखे हैं, जो खूबसूरत दर्शन आपने किए हैं चीज़ों के और जगहों के, वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में स्टोर होके रह जाते हैं और उनका एक एवर लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होता, कभी फेड नहीं करता। आप जब भी खूबसूरती के बारे में सोचोगे, एक खूबसूरत सीन जो आपने कभी भी देखा होगा, वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। दे गिव अस पीस जस्ट लाइक अ क्वाइट शेडी प्लेस गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। खूबसूरत चीज़ों के बारे में सोचना, उनको याद करना, अगर हम कभी भी किसी ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस पर गए हैं और हम उसको बाद में याद भी करते हैं, तो उससे हमको बिल्कुल पीस, शांति का अनुभव होता है, सुकून मिलता है। जिस तरह से एक शांत शेडी प्लेस पे, जैसे पेड़ के नीचे जाकर, किसी भी शेडी प्लेस पे जाकर, ठंडी जगह पे आप अगर सो जाओगे तो एक गहरी नींद आएगी पूरी, और खूबसूरत सपनों से भरी हुई नींद गहरी आएगी। वैसी शांति का और सुकून का अनुभव होता है जब हम किसी भी नेचुरल ब्यूटी को याद करते हैं या नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेस का हम मेमोराइज करते हैं। अ साउंड स्लीप रिजल्ट्स इन द गुड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड एज इट प्रोवाइड्स अस ट्रांक्विलिटी एंड मेंटल पीस। एक गहरी नींद, अगर हम शेडी प्लेस पर एक गहरी नींद ले रहे हैं, आराम की नींद ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी और सोल और दिमाग दो सबके लिए गुड हेल्थ होती है, मिलती है, और क्योंकि ये बिल्कुल हमको शांति और मेंटल और फिजिकल हर तरह की पीस प्रोवाइड करता है, सुकून प्रोवाइड करता है, इससे हमारा बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी हो जाता है। नाउ कमिंग टू द स्टैंजा टू। देयरफोर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा विल बी, वेन वी वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर अ साउंड स्लीप All the beautiful memories of our sweet dreams help us to strengthen our bond with earth. जब हम एक गहरी नींद के बाद सुबह सोकर उठते हैं, तो जो मेमोरीज, खूबसूरत मेमोरीज हमारे सुंदर सपनों की आती हैं, जो याद रह जाती है, जो सुंदर सपना हमने देखा था, तो हमारा जो बॉन्ड है वो अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। That is why the poet feels that every morning we prepare a wreath of flowers that binds us to earth more strongly. मतलब इसी वजह से poet ये feel करता है कि जैसे हम सुबह सुबह एकदम flowers की खुशबू या weaving, उनका हिलना डुलना, flowers को देखना, ये सब हमारे को बहुत ज़्यादा impress करता है, हम और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हम अपनी अर्थ से और स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, बंध जाते हैं। होपलेसनेस, सैडनेस एंड लैक ऑफ नोबल वेज आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब हमारा ह्यूमन लाइफ है तो होपलेसनेस भी है, दुखी भी होते हैं हम, निराशा भी आती है और बहुत सारे तौर तरीकों में भी कमी आती है, ये सब पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है। लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, हमारी लाइफ फुल ऑफ ट्रायल्स, तरह तरह की कोशिशों से भरी हुई है, तरह तरह के स्ट्रगल्स से भरी हुई है। लॉस्ट फेथ एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे धोखे मिलते हैं, विश्वास टूटता है, निराशा होती है, विच रिजल्ट फ्रॉम आर ओन डूइंग्स, और इन सब का रिजल्ट क्या होता है, हमारे अपने काम पर, हमारे अपने डूइंग्स पर असर पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। वी हार्म आवरसेल्व्स बाय फॉलोइंग अनहेल्दी एंड विकेट पाथ्स। तो जब आप टेंशन होती है और आप डिसअपॉइंटेड होते हो, तो हम अनहेल्दी और बेकार के रास्ते चुनने लगते हैं, कुछ गलत काम भी करने लगते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सम वंडरफुल साइट्स ऑफ नेचर हेल्प अस टू शेड सैड एंड ग्रिम थॉट्स। लेकिन इन सब के बावजूद अगर
खूबसूरत दृश्य नेचर के हमारे दिमाग में हैं और हम उनको जब भी याद करते हैं तो हमारा कुछ दुख और दुखी जो थॉट्स आते हैं हमारे पर, जो टेंशन वाले थॉट्स आते हैं, वो सब दूर करने में मदद मिलती है। आप कभी भी वाटर के सीन को याद करो कि हम वाटर के पास पे बैठे हैं तो, या किसी ग्रीन ट्री के पास बैठे हैं तो, आप कितने भी परेशान हो, कितना भी डिसअपॉइंटमेंट आपके मन में हो, यू विल फील रिलैक्स्ड एंड मेंटली पीसफुल। दे रिमूव द व्हील ऑफ ग्लूम। नेचुरल साइट्स अकॉर्डिंग टू द पोएट, ग्लूम यानी डार्कनेस का जो व्हील, जो पर्दा पड़ा है आपके ऊपर, उसको हटा देती हैं, ब्रिंगिंग अबाउट होप एंड ऑप्टिमिज्म इन आवर लाइव्स, और हमारी जिंदगियों में, हमारी लाइव्स में आशा और होप वापस लेकर आती हैं। क्या चीज़ें? नेचुरल साइट। नाउ मूविंग टू द स्टैंजा 3। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक गेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। दिस वॉज द स्टैंजा 3। नाउ द एक्सप्लेनेशन विल बी, द पोएट नाउ गोज ऑन टू लिस्ट दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। अब इस स्टैंजा में पोएट हमको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जो ब्यूटी से भरपूर हैं, उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं। ही सेज दैट द सन द मून ओल्ड एंड यंग ट्रीज विच प्रोवाइड शेड टू शीप। अब वो ये कहते हैं कि जो सूरज है, चंद्रमा है, और ये सब ब्यूटी के ऑब्जेक्ट्स हैं, और चाहे वो पुराने पेड़ हों या यंग ट्री हों, जो कि हमारे शीप को, क्योंकि ये एंडीमियन की स्टोरी बताई जा रही है जो कि एक शेफर्ड है, अपने शीप्स को फॉरेस्ट में ले जाके चरवाहे का काम करता है, चराने के लिए ले जाता है, तो चाहे वो बूढ़े या जवान पेड़ हों, ये सारे शीप को उसके शेल्टर देते हैं, शेड देते हैं सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के येलो फूल्स जो खूबसूरती देते हैं नेचर को, द ग्रीनरी सराउंडिंग डैम, और उसके चारों ओर जो कुछ भी ग्रीनरी है पूरे फॉरेस्ट में, सब कुछ ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी है उनके लिए, और बहुत ही ऐसी ब्यूटी जो उनकी आइस को और उनके मन को पीस देती है, सुकून देती है। द कूल एंड क्लियर स्ट्रीम्स विच प्रोवाइड रेस्पाइट इन द हीट ऑफ समर एंड द बुशेज ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट विथ मस्क रोजेज ब्लूमिंग अमिड्स देम them are all eternal sources of joy and pleasure। जो ये ठंडी ठंडी ठंडे वाटर के जो स्ट्रीम्स हैं, नहर बह रही है, जो बिल्कुल गर्मी के दिनों में बहुत राहत देता है, और ये झाड़ियाँ जो हरी उगी हैं जंगल में, जिसमें ये रोजेज खिले हुए हैं उनके बीच, ये सब आपकी आत्मा की खुशी के लिए और प्लेजर के लिए बहुत अच्छे हैं, और ये आपको नेचुरल ब्यूटी जो है वो पीस प्रदान करती है और पूरी तरह से सुकून देती है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द स्टैंजा 4, एंड इट इज, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैड हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink। And the explanation will be, the poet adds on further to his list। अब ये अपनी लिस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से नेचर की ब्यूटी का कोई अंत नहीं है, और उनमें इसमें ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो उनकी लिस्ट में आ सकते हैं। According to him there is beauty even in death। उनके हिसाब से तो डेथ में भी ब्यूटी है। He finds beauty in imaginary stories people have made about our dead ancestors who were deemed as heroic and mighty। उनको तो वो इमेजिनरी स्टोरीज़ में भी ब्यूटी नज़र आती है
जो लोगों ने बना रखी है अपने पूर्वजों के बारे में, जो मर चुके हैं, जिनको जिनके कारनामों को हीरोइक या पावरफुल माना जाता है, कि अगर उनके कोई एंसेस्टर ऐसे थे जिन्होंने अपनी ब्रेवरी को दिखाया हो, करेज को दिखाया हो, तो इनको उनकी मरे लोगों की स्टोरी सुनाने में भी और सुनने में भी पोएट को ब्यूटी नज़र आती है। द पोएट गोज़ ऑन टू से दैट ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड एमंग सच थिंग्स ऑफ ब्यूटी। पोएट ये कहते चले जाते हैं कि जो भी सुंदर सुंदर कहानियाँ हमने सुन रखी हैं अपने एंसेस्टर्स के बारे में, पुराने राजाओं के बारे में, वो उनको भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी की लिस्ट में रखा जा सकता है। एज दे हैव अ सबलाइम इफेक्ट ऑन द ह्यूमन स्पिरिट, क्योंकि इन चीज़ों का और इन स्टोरीज़ का ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है ह्यूमन स्पिरिट पर, ह्यूमन बीइंग्स पर। All beautiful things are like an endless fountain from the heavens, sent by God Himself. जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं वो बिल्कुल endless fountains, जैसे ऐसा लगता है जो भी खूबसूरत ऑब्जेक्ट या नेचर में जो कुछ भी खूबसूरत चीज़ें हैं वो सीधे स्वर्ग से ऐसे फाउंटेन के रूप में बह रही हैं, ऐसे झरने के रूप में बह रही हैं जिसका कोई अंत नहीं है, sent by God Himself। और इस झरने को, इस खूबसूरती के झरने को जो कि आपकी आत्मा को, आपके मन को शांति और खुशी देता है, वो गॉड ने खुद आपके लिए और हमारे लिए भेजी है, सो दैट मैनकाइंड मे एंजॉय दीज प्रेशियस गिफ्ट। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को और ह्यूमन रेस को यानी इस जाति को इन खूबसूरती को, इन कीमती गिफ्ट्स को, भगवान के दिए हुए गिफ्ट्स को एंजॉय करना चाहिए और नेचर के बीच में ही रहना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट द पोएम चिल्ड्रन। नाउ आई विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। नाउ पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम आर, द पोएम इज रिच इन इमेजेस एंड द यूज ऑफ वेरियस पोएटिक डिवाइसेस। इस पोएम में इमेजेस यानी आपकी कल्पना का बहुत इस्तेमाल किया गया, अगर आप कोई चीज़ इमेजिन कर सकते हो, जैसे सीन्स बताए गए हैं नेचुरल ब्यूटी के, और बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेज यूज हैं। मेटाफर हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन मूव्स द पॉल वेयर आवर सोल्स स्टीप्ड इन सैडनेस एंड होपलेसनेस आर कंपेयर टू डेड बॉडीज कवर्ड विथ अ श्राउड। जब हमारी सोल बिल्कुल इतने ज़्यादा सैडनेस और होपलेसनेस में डूबी होती है, तो इस सेंटेंस में मेटाफर का यूज़ है जहाँ पर कंपेरिजन किया गया है हमारी सोल का डेड बॉडीज से जो कि श्राउड यानी कफन से ढकी हुई है। इन द मेटाफर इमॉर्टल ड्रिंक अ फीलिंग ऑफ इमेंस जॉय हैज़ बीन कंपेयर टू अ ड्रिंक दैट फ्लोज डाउन फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक में मेटाफर यूज है जहाँ पर इमेंस जॉय मतलब ऐसी खुशी जिसका कोई अंत नहीं है, इसको कंपेयर किया गया है एक ऐसे ड्रिंक से जो कि एंडलेस फाउंटेन के रूप में स्वर्ग से सीधा आ रहा है हमारे लिए, और वो है थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो कि गॉड ने क्रिएट किए हैं हमारे लिए। ये एंडलेस फाउंटेन का या इमॉर्टल ड्रिंक का काम करते हैं और हमारी सोल को एनर्जाइज करते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं। देयर इज़ यूज़ ऑफ एलिट्रेशन इन नोबल नेचर्स, एन साउंड यूज़ हो रहा है इसलिए एलिट्रेशन है। सिंपल शीप में एस साउंड यूज़ हो रहा है इसलिए एलिट्रेशन है। एंड कूलिंग कवर्ड में सी साउंड यूज़ हो रहा है इसलिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का यूज़ किया गया है। द पोएम अबाउंड्स इन द यूज़ ऑफ इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है एक ऐसी कैपेसिटी का विकास करना रीडर्स के अंदर जहाँ पर इमेजिनेशन पावर को आपको बढ़ाना हो, तो पोएट ने कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया है जॉन कीट्स ने जहाँ आप इमेजिन कर पाओगे नेचुरल सीन्स को। फाउंटेन के बारे में जब बताया गया है तो आप फाउंटेन को इमेजिन कर सकते हो। डैफोडिल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है तो डैफोडिल फूलों को आप फील कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, तो बहुत अच्छा यूज़ है इमेजरी का। एज इन फ्लावरी बैंड्स डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन क्लियर रिल्स एंड एंडलेस फाउंटेन। सो आई हैव टोल्ड यू ऑल पोएटिक डिवाइसेज यूज्ड इन दिस पोएम। दैट्स ऑल अबाउट द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। आई होप चिल्ड्रेन दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोएम विच आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड एन्जॉयड इट। Thank you so much.